सभी यहाँ पर पधारे, भाग्य बड़े जहाँ संत पधारे। हम सभी के बहुत बड़े भाग्य है। तुलसीदास जी ने बहुत ही संत की महिमा कहते हुए लिखा है कि मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजु। ऐसे जो संत है वो जंगम तीर्थ के समान है। तो ये प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी वर्ष अंतर्गत आज उनको भावांजलि देने के लिए आज इतने तादाद के अंदर यहाँ पर संतगण उपस्थित है, उन सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद बैठे हुए थे रामकृष्ण देव के पास। तो एक दिन रामकृष्ण देव ने पूछा, अच्छा नरेन, उनका बचपन का नाम था, कि नरेन तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, महाराज मैं तो सुखदेव के समान समाधि में लीन रहना चाहता हूँ। लेकिन इस बात को सुनकर गुरुदेव खुश नहीं हुए, बल्कि उनका तिरस्कार किया। वो कहने लगे, ची ची, तुम्हारी बहुत ओछी बुद्धि है, इससे भी एक बड़ी अवस्था है, वो क्या है, सब भूतों में ईश्वर दर्शन। और उसका तरीका भी उन्होंने बता दिया, और इसी मूल मंत्र को लेकर रामकृष्ण मिशन और ये स्वामीनारायण संप्रदाय की जो संस्था है वो एक ही जैसा काम कर रहे हैं। और वो मंत्र ये है, शिव ज्ञान से जीव सेवा। सभी लोगों में प्रभु विराजमान है, प्रभु रूप से सभी लोगों की सेवा करना। सभी भक्तों के ऊपर, सभी संतों के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे गुरुदेव स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जी के साथ दो बार प्रमुख स्वामी जी महाराज का दर्शन कर पाया, मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाया। प्रमुख स्वामी जी महाराज के शिष्य वृंदों में जो उन्होंने किया, जो उनके जो संकल्प थे, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे विश्व भर सेवा कार्य का और पंथ के प्रचार प्रसार का कार्य किया, वह हम उन संतों के अंदर अभी देख रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं स्वामीनारायण मंदिर में, तो वहाँ पर उनके अंदर वही एक ही जज्बा बना रहता है, देखने में आ जाता है। प्रमुख स्वामी जी महाराज की महिमा, संतन की महिमा रघुराई और बहुविध वेद पुराणन गई। संतों की महिमा अनेक वेद और पुराण में गाई गई है। आज के 30 वर्ष पूर्व स्वामी जी का कर्म सद गुजरात में एक आश्रम है, वहाँ पे दर्शन हुआ था, संतों का अधिवेशन था। उनके मुखारबिंद से ऐसी वाणी निकलती थी मानो स्वयं वेद भगवान उच्चारण करते हों। प्रमुख स्वामी जी
आज जिनके हम वर्ष शताब्दी मना रहे हैं वो साधारण संत नहीं थे। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, सब पे स्नेह करने वाले संत थे वो। ऐसा कोई प्राणी नहीं था जिस पे वो स्नेह नहीं करते थे, ऐसे हमारे प्रमुख स्वामी जी महाराज थे। प्रमुख स्वामी जी संत के स्वरूप में वो एक ईश्वर का स्वरूप दिखाई दर्शन देता था, ऐसे प्रमुख स्वामी जी महाराज थे। संतन है पर उपकारी, ये संतन है पर उपकारी, शरण आए को लेत उबारी, शरण आए को